हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गेट इसलिए लगाया क्योंकि आवाज़ आ रही है मोबाइल चलाने की, इतनी तेज़ वाली। तो बस अभी अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। अभी मैं रात के खाने में बना रही हूँ एग करी। एग मैंने बंद करने के लिए रख दिए थे, वो हो चुके हैं, तो अब इनको जो है निकाल लेते हैं, इसका पानी जो है ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। जी हाँ। और गाइस, हाँ, आप लोगों ने मामू की सगाई वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और खूब सारी दुआएं दें ताकि मेरे भी जल्दी जल्दी 1 लाख हो जाए। यार मेरे अभी तक 1 लाख नहीं हुए। मुझे यूट्यूब पर काम करते करते कितने साल हो गए हैं, मतलब 4 साल तो हो ही चुके हैं, 5 साल होने को, 5 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे काम करते करते, लेकिन अभी तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अब तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, है ना। इतनी मेहनत कर रही हूँ और सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो लाइक करके जाए, नहीं अच्छा लगता उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी लाइक करके जाए। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को दे सकेंगे। तो बस एग जो है बॉईल हो चुके हैं, इसमें बनाते हैं मसाला। तो सारा ये प्याज लहसुन वगैरह लेकर के मैं इधर आ गई हूँ आगे हॉल में, और अभी टीवी चलाते हैं, टीवी देखेंगे, साथ साथ में काम भी करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं ये प्याज और लहसुन लेकर के आ गई हूँ, चाकू लेकर के आ गई हूँ, टीवी मैंने ऑन कर दिया, इसी के साथ साथ मैं बस अपना जो प्याज लहसुन है वो छीलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर रेडी हो चुकी है अंडा करी बनके, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि अभी तो कोई खा नहीं रहा है। यहाँ पे आटा गूंथ कर भी रख दिया है, और इसी के साथ अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि हुरैन भी खाएगी और इनके पापा भी खाएंगे, और जिसको भी खानी होगी वो खा लेगा, तो इसलिए खिचड़ी बनाते हैं। मैं ऐसा ही बन जाएगी। तो इसमें मैंने ये मिला लिए हैं, यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है घी में, और यहाँ पे अभी इसको धो के डालते हैं। तो यहाँ कुकर में खिचड़ी बनने के लिए रख दिए हैं, अब 2-3 विसल आने का वेट करेंगे, क्योंकि खिचड़ी हमें पतली वाली चाहिए, ठीक है। और बस इसको रखते हैं साइड, इसको रखते हैं इधर, और इसको रखते हैं इधर, ताकि ये ढक्कन ढक सके इस कुकर के ऊपर बाद में खुलने के बाद। तो चलो, ये सब कुछ हो चुका है रेडी, अब बारी रह गई है सैलेड काटने की। सो यहाँ पे ये ले लिए खीरे, और लूँगी टमाटर। तो गाइस, बोतल धोने के बाद में अब मैं आ गई हूँ इधर। तो मैंने कुछ अपने नए कपड़े धोए थे, वो यहाँ पर डाल दिए हैं ऐसे, और ये हैं जैकी भाई के कपड़े, जो कि इसको खंगालने हैं सिर्फ, बाकी इन कपड़ों को डालते हैं तारों पे, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने ये दोनों ड्रेस डाल दिए, और यहाँ पर ये कपड़े धोकर डाल दिए हैं, अब चलते हैं आगे। आज तो मम्मी ने सारा ही घर अच्छे से धो दिया है, एकदम अच्छा लग रहा है, क्लीन क्लीन साफ साफ था। और
और यहाँ पर हमने ये हुरन की स्लाइड रख दी है क्योंकि स्लाइड इधर साइड रखी हुई थी तो कॉर्नर में थी तो हुरन खेल नहीं पाती थी, अभी यहाँ पर है तो वो खेल भी लेती है। तो अभी सारा धुला है ना तो इसलिए यहाँ पर ये सारा रख रखा है। बाकी यहाँ पर अभी नई मैट आ गई है और ये मुझे अच्छी लग रही है। मम्मी लेकर के आई कल मार्केट गई हुई थी तो एक्यूप्रेशर वाली ये मैट लेकर के आई हैं। बाकी यहाँ पे जो मैट डली हुई थी वो उधर डाल दी है क्योंकि वो छोटी भी थी और ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है। मैं खा रही हूँ बनाना क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, नेक्स्ट डे हो चुका है तो अभी बनाना खाते हैं। तो बनाना अभी खा लिया है और आज गए, वैसे हमारा जो है ग्वालियर जाने का था शॉपिंग के लिए लेकिन ग्वालियर नहीं गए। रीज़न ये है कि हुरन की तबीयत अभी ठीक नहीं है, कुछ मामूली से थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है उसकी तबीयत और साथ ही में धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए सोचा कि धूप में ग्वालियर तक परेशान होगी बस से या फिर ट्रेन से जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा करके फिर बाड़े जाना पड़ेगा, तो इसलिए कैंसिल करते हैं, यहाँ से ही शॉपिंग करेंगे। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हमारी हो ही गई है, कुछ और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है सिर्फ हुरन के कपड़े वगैरह हैं। कुछ मैंने उसके कपड़े जो है ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिए हैं तो अभी शॉपिंग धनाधन चल रही है क्योंकि मेरी मामू की शादी है तो इसीलिए। और बस मेरे कपड़े हैं ही, कुछ मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिए मेरे लिए भी, हुरन के लिए भी और इन्होंने भी, तो तीनों के कपड़े जो हैं आ रहे हैं। और कुछ और चीज़ें भी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे कि इनको डेली वेयर के लिए चप्पल चाहिए और हुरन के लिए सैंडल वगैरह चाहिए और हेयरबैंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो वो हम यहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो सब हम यहीं से शॉपिंग करेंगे, ठीक है, मैचिंग की ही। और बस मार्केट जाने का था लेकिन धूप की वजह से मन ही नहीं हो रहा है और आज इतना ज़्यादा रश होगा ना मार्केट में क्योंकि आज हमारे यहाँ आ रहे हैं मोदी जी। जी हाँ, हमारे यहाँ नहीं मतलब हमारे SAF ग्राउंड में, हमारे घर के पास ही है वो, तो SAF ग्राउंड में मोदी जी आ रहे हैं तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा रश होगा आज, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी जाने का हिम्मत ही नहीं हो रही। दिखाऊँ आप लोगों को धूप कितनी तेज हो रही है। धूप इतनी तेज है ना कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं किसकी गाड़ी है। तो चलिए गाइस, आज तो हमारे घर में मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है, मतलब पुदीना भी लग रहा है हमारे घर में, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे घर में पुदीना भी लग रहा है। और ये हमारे लग रहा है चाचा ने, जी हाँ, यहाँ पर रख दिया है प्लांट। तो ये हमारे घर में ताज़ी ताज़ी पुदीना, मैंने ना रायते में डालने के लिए इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना ऊपर ऊपर की वो भी तोड़ ली हैं, मम्मी से तोड़वाई थी। बाकी पुदीना बहुत बढ़िया लग रहा है, हरा हरा सा। और हाँ गाइस, कुछ चीज़ें हमारे घर में नई हुई हैं, वो नई क्या है कि हमने यहाँ पर लगा रखी है जाली। जी हाँ, इस तरह से ये पूरे में जाली हमने लगा रखी है क्योंकि ना हमारी जो बिल्लियाँ हैं ना वो बाहर निकल जाती हैं जालों से होकर के, तो उनका थोड़ा सा डर था तभी हम लोगों ने इस तरह से पर्दे लगा रखे हैं, ये ऐसे बांध के ताकि वो निकले नहीं, पेन से कवर कर रखे हैं। तो इधर साइड अभी लगी नहीं है, सिर्फ इधर साइड ही लगी, तो ये रात में लगाई थी जगह भाई ने, तो ये जाली से पूरा यहाँ तक कवर कर दिया है तो अभी इतनी दिक्कत नहीं आएगी इनको बाहर निकलने की, और पर्दे भी खुले रहेंगे ताकि हवा पास होती रहेगी, है ना। तो ये पूरे ही जाले पर जो है जाली लगा रखी है हमने इस तरह से, अब नहीं निकलेंगी बिल्लियाँ हमारी बाहर, और हमारे जो पर्दे हैं वो भी खुल गए। तो गाइस, अब लग रही है भूख बहुत जोर वाली क्योंकि अब बच चुके हैं सारे काम करते करते 2 दोपहर के। जी हाँ,
बाहर घड़ी लगी है इसलिए मैं बाहर देख रही हूँ। दोपहर के 2 बज चुके हैं, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज वाली। खाना खाऊंगी, खाने में देखो मम्मी ने क्या क्या बनाया। आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, आज मैं उठी ही नहीं जल्दी। सुबह उठ भी गई थी, फिर उसके बाद देखा कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, मैं दोबारा से सो गई। और फिर मैं उठी कितने बजे, 11:30 बजे, जब तक तो सारा काम ही हो गया था। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाई है बड़ी आलू की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और शादियों में स्पेशली इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इस सब्ज़ी में, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये खाऊंगी, साथ में बनाया कचुंबर, ये भी खाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में सब्ज़ी से ज़्यादा कचुंबर चटनी और यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आटा गूंद के रख दिया है। हमारी जो तबस्सुम खाला हैं वो भी आ चुकी हैं, और अभी फ़िलहाल नानी के यहाँ नहीं गई है वो, अभी तो ग्वालियर में शॉपिंग कर रही हैं, उसके बाद देखो शाम तक निकलेंगे। तो वो भी हैं, चलिए गाइस बाद में बातें करूँगी, मैं पहले खाना खाती हूँ, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। और हाँ गाइस, कुछ कमेंट्स सगाई, मामू की सगाई को लेकर आ रहे थे, तो उनका रिप्लाई करना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखो रोटियाँ भी बनाती जा रही है, साथ साथ में यहाँ पर रिप्लाई भी करूँगी। यहाँ पर फुली फुली रोटी हमारी बनकर रह रही है। तो ये है कि मामू की सगाई कब हुई, क्योंकि लोगों को सर्दियों का टाइम लग रहा है। जी हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी, हल्की फुल्की सर्दी थी। तो और मैंने ये वीडियो उस टाइम पर शेयर क्यों नहीं किया, अगर उस टाइम पर करती तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। तो देखो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। आप लोगों को शेयर नहीं किया तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है ना। रीज़न ये था कि हमें हमारे घर वालों को ठीक नहीं लग रहा था कि उस टाइम पर हम ये सगाई की वीडियो शेयर करते आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इसलिए मुझे भी टाइम सही नहीं लगा। देखो हर चीज़ अगर वक्त से होती है तो ज़्यादा बेहतर लगता है, तो उस टाइम पे हम लोग को सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने शेयर नहीं किया था। हालांकि सभी लोग इस वीडियो का ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा मामू की सगाई का वीडियो, कब आएगा कब आएगा, क्योंकि सगाई मामू की 1.5 साल पहले हो चुकी है। ठीक है, 1.5 साल पहले का वो वीडियो है, और बस मुझे अभी टाइम सही लगा तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सेकंड कमेंट ये था कि तुम्हारे भाई की शादी से पहले का ये वीडियो। तो जी नहीं, शादी मेरे भाई की हो चुकी है, उनकी शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, चौथी भी शायद मुझे लगता है आधी हो गई है। अक्टूबर में जो है 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे भाई की शादी को, तो 3 साल उनकी शादी को कंप्लीट हो गया, और मामू की सगाई को सिर्फ अभी 1.5 साल ही हुआ है। तो ये चीज़ थी। ठीक है, 2 चीज़ क्लियर हुई, और तीसरा मुमानी कहाँ की है। मुमानी है ग्वालियर की, तो वो मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बता दिया पहले कि हाँ मुमानी हमारी जो है ना वो ग्वालियर की हैं, तो वहीं से रिश्ता हुआ है। और हाँ, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो वही अरेंज मैरिज है, ये कोई लव मैरिज नहीं है। हाँ, और रिश्ता मतलब देखो कोई ना कोई तो बताता ही है कि यहाँ पर लड़की है यहाँ पर लड़का है, तो अगर तुमको पसंद आ रहा है तो कर सकते हो। तो ये चीज़ है, हम गए थे, हमें किसी ने बताया था, यही चीज़ होती है ना रिश्ता कराने से पहले बीच में एक पर्सन होता है ना, तो वही चीज़ है। अब जैसे मेरे छोटे वाले भाई के शादी के बीच मतलब जिसने अभी रिश्ता कराया है वो मेरे चाची हैं, तो ऐसे कोई ना कोई तो रहता है बीच में एक जो रिश्ता बताता है, फिर पसंद नापसंद हमारी होती है कि हमें करना है नहीं करना है जो भी है। ठीक है, तो ऐसे ही मामू के रिश्ते के लिए भी हुआ कि बीच में एक पर्सन था, उन्होंने हमें बताया रिश्ता, हम गए, हमें मामानी पसंद आ गई, तो हम भी वहाँ पर रिश्ता तय कर पाए। तो ये चीज़ है, तो उनकी कोई लव मैरिज नहीं है,
अरेंज्ड मैरिज हो रही है। तो मोबाइल ना मेरा गर्म हो गया था एकदम आप लोगों से बातें करते करते, क्योंकि यहीं पर ही मैं खाना बना रही, यहीं पर ही मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मोबाइल को रख दिया मैंने फ्रिज के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो बस ठंडा हुआ, वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो बातें करते करते जो है मेरी रोटियाँ भी सारी रेडी हो चुकी हैं और आप लोगों की बातें भी क्लियर हो गई होंगी होप। तो बस क्योंकि चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी रहता है, कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं क्लियर करना ताकि आगे बात ना बढ़े, है ना। तो चलो खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं। जैकी भाई भी आ गए अपनी ड्यूटी से, लंच टाइम है उनका, लंच टाइम में वो आ जाते हैं कभी कभार, या फिर तो कभी अगर वो खाना लेकर जाते हैं तो फिर नहीं आते हैं वो, लेकिन अभी वो आ गए हैं। कचुम्बर में डालते हैं नमक, क्योंकि पहले से नमक नहीं डालते हैं वरना तो ये पानी छोड़ देता है बहुत ज़्यादा वाला, इसीलिए ठीक है। और हुरैन भी उठ गई तो हुरैन को भी खाना वाना खिलाते हैं। और बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली हैं, तो चलिए इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में, अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में। और एंड करने से पहले जो मोदी जी आए हैं उनका लाइव चल रहा है, मोबाइल पर देखा जा रहा है, टीवी में देखा जा रहा है, सब लोग लगे हुए हैं घर में और मैं आप लोगों से बातें करने में लगी हुई हूँ। तो सब लोग लाइव देख रहे हैं क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है किसी का बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो घर में ही बैठ कर के बढ़िया आराम से लाइव देख रहे हैं। बातें बहुत सारी कर ली हैं, बकबक बहुत सारी हो गई है। इस वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।